बॉयज वेलकम वंस अगेन इन माय ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज की क्लास के अंदर अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसी बैक्टीरिया, वायरस, फूड मटेरियल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी बॉडी को हार्म पहुँचा रही है या अपनी बॉडी को इफेक्ट कॉज कर रही है इन स्मॉल अमाउंट, तो वो क्या होगा? पॉइजन। और उसकी वजह से होने वाली जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसको बोला जाता है पॉइजनिंग। तो मेनली जो पॉइजनिंग होती है वो चार तरह से हो सकती है। सबसे पहले तो इंजेस्टेड पॉइजनिंग, जैसे कि अपन ने कोई चीज़ इंजेस्ट कर ली, खा ली हो, जैसे इंजेशन के थ्रू हो सकता है, जैसे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया हो या टॉक्सिक मटेरियल खा लिया हो, टॉक्सिक फूड खा लिया हो, टॉक्सिक वाटर पी लिया हो, तो इंजेस्टेड पॉइजनिंग। सेकेंड, इनहेल्ड पॉइजनिंग। इनहेल्ड मतलब थ्रू द ब्रीदिंग, थ्रू द रेस्पिरेशन, थ्रू द वेंटिलेशन, अगर कोई पॉइजनस मैटर, पॉइजनस सब्सटेंस अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया हो या फिर अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या इनहेल्ड पॉइजनिंग में सबसे मोस्ट कॉमनली जो पॉइजनिंग पाई जाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पाई जाती है, जो कि कब होती है? जब ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में कम हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की जगह अटैच होने लग जाती है। जब ऑक्सीजन के साथ अटैच, ऑक्सीजन का अटैचमेंट बंद हो जाएगा हीमोग्लोबिन के पास, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन हो सकती है और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले स्वेलोड या इन स्वेलोड पॉइजनिंग, यानी कोई चीज़ अपन इंजेस्ट कर रहे हैं, इंजेस्ट पॉइजनिंग। सेकेंड, इनहेल्ड पॉइजनिंग। थर्ड आती है कोई स्किन के ऊपर बर्न की वजह से, केमिकल बर्न, स्किन अगर बर्न हो रही है या स्किन टॉपिकली कोई अगर केमिकल सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं अपन, जैसे कोई केमिकल हो गया या कोई एयर में कोई ऐसा टॉक्सिन था जिसके कॉन्टैक्ट में स्किन आई और उसकी वजह से हो गया, तो वो हो सकता है। और लास्ट वन इज फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग, फूड के अंदर या कुछ बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से, या कोई फूड ऐसा था जो सही नहीं था, कुछ ऐसा मटेरियल खा लिया हो फूड के साथ जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा हो, या उसकी वजह से, जैसे मेनली जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, एक बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से मोस्ट कॉमनली जो फूड पॉइजनिंग पाई जाती है। तो फूड के साथ अगर कोई चीज़ चली गई तो वो, ये चार मोस्ट कॉमनली टाइप है जिनके द्वारा आपको की बॉडी में पॉइजनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि पॉइजन क्या होता है। तो पॉइजन एक सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है दैट व्हेन इंजेस्टेड, इनहेल्ड, एब्जॉर्ब्ड और अप्लाइड टू द स्किन और प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स इंजेस्ट द बॉडी बाय इट्स केमिकल एक्शन। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इंजेशन के थ्रू, इनहेल करके, थ्रू द स्किन एब्जॉर्ब होके या अप्लाई करें अपन स्किन पे और अपनी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा हो मे बी इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स इंजर्स द बॉडी बाई इट्स केमिकल एक्शन, उसके केमिकल एक्शन की वजह से बॉडी को इंजर्ड करता है। वो कैसे भी हो सकता है, इंजेशन के थ्रू बॉडी में जा सकता है, इनहेलेशन के थ्रू, एब्जॉर्प्शन के थ्रू अप्लाई हो रहा है स्किन पे, या फिर बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजनिंग फ्रॉम इनहेलेशन और एंड इंजेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स बोथ इंटेंशनल और नॉन इंटेंशनल कॉन्स्टिट्यूट्स ए मेजर हेल्थ हैजार्ड एंड इमरजेंसी सिचुएशन। जो पॉइजनिंग होती है वो या तो किसी ने इंटेंशनली जानबूझ के खाई हो या अनइंटेंशनली, मतलब उसको पता नहीं था और कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया हो, वो एक हेल्थ हैजार्ड के तौर पे एक इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आता है, क्योंकि कुछ पॉइजन ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। तो जो भी पॉइजनस या पॉइजनिंग के केसेस होते हैं वो इमरजेंसी के अंदर अपन कंसिडर करते हैं। इसके बाद बात करें तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड विद द फॉलोइंग गोल्स। जब भी अपन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इनिशिएट करेंगे तो अपने क्या क्या गोल होंगे, तो सबसे फर्स्ट गोल बात करें टू रिमूव और इनएक्टिवेट द पॉइजन बिफोर इट इज एब्जॉर्ब। जैसे किसी ने इनहेल्ड किया है या इनजेस्ट किया है तो उस पॉइजनस सब्सटेंस के एब्जॉर्प्शन होके ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले ही अपने को उसको बाहर निकालना है, या तो या फिर उसको इनएक्टिवेट कर देना है बाय द एंटीडोट। सेकेंड थिंग, टू प्रोवाइड सपोर्टिव केयर इन मेंटेनिंग वाइटल ऑर्गन सिस्टम। जो वाइटल ऑर्गन सिस्टम है उसको मेंटेन करके चलना है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन करके
चलना है। थर्ड थिंग टू एडमिनिस्टर ए स्पेसिफिक एंटीडोट टू न्यूट्रलाइज ए स्पेसिफिक पॉइजन। अगर आपको डायग्नोस हो गया है कि किसी स्पेसिफिक पॉइजन की वजह से पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है तो आपको अगर एंटीडोट अवेलेबल है तो वो एंटीडोट आपको प्रोवाइड करना है। एंड लास्ट वन इज टू इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट दैट हैस्टेंस द एलिमिनेशन ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन। जो एब्जॉर्ब पॉइजन है उसको रिमूव कर सके थ्रू द बॉडी, तो वो अपने को ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं उनको अपन बाय द डायूरेसिस फटाफट बाहर निकाल सकें, तो क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद एक ही ऑप्शन बचता अपन की थ्रू द डायूरेसिस या यूरिन के थ्रू अपन को बाहर निकाल सके। या फिर जैसे कुछ प्रोसीजर यूज किए जाते हैं कि ब्लड को पूरे को एक तरफ से ब्लड को निकालते हैं और दूसरी तरफ जैसे इकमो नाम का प्रोसीजर होता है या डायलिसिस का प्रोसीजर होता है ना, उस तरह से एक तरफ से ब्लड को निकालते हैं, उसमें से जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उनको निकाल के, जैसे डायलिसिस भी एक पॉइजनिंग, क्योंकि डायलिसिस में जो क्रिएटिनिन या BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सब्सटेंसेज होते हैं वो एज ए टॉक्सिन ही काम करते हैं, तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए जैसे डायलिसिस किया जाता है वो भी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू अपन एब्जॉर्ब या फिर बॉडी में बनने वाले टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब आता है सबसे फर्स्ट इंजेस्टेड या स्वलोड पॉइजन्स, कैसे अपन इस कौन सा ऐसा पॉइजन होता है जो इसमें जिसकी वजह से ऐसी पॉइजनिंग होती है या और उसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। स्वेलोड से समझ रहे हो अपन मतलब कि इन द GI ट्रैक्ट में अगर पॉइजन जा रहा है तो स्वेलोड पॉइजन में भी कोरोसिव कोरोसिव पॉइजन्स इंक्लूड एल्केलाइन और एसिड एजेंट्स। कोरोसिव जो पॉइजन्स होते हैं उनमें एल्केलाइन या एसिड एजेंट्स हो सकते हैं दैट कैन कोज टिश्यू डिस्ट्रक्शन आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आने के बाद सेल डिस्ट्रक्शन या टिश्यू डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। एल्केलाइन प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स जैसे लाई है, ड्रेन क्लीनर्स है, टॉयलेट बाउल क्लीनर्स है, ब्लीच है, नॉन फॉस्फेट डिटर्जेंट्स है, ओवन क्लीनर्स है, बटन बैटरीज है, जैसे बैटरीज यूज टू पावर वॉचेज कैलकुलेटर्स और कैमराज, ये जो बैटरीज होती हैं अपन वॉच के लिए या कैलकुलेटर के लिए या रिमोट के लिए या बैटरी के लिए जो यूज करते हैं उनको बटन बैटरीज बोला जाता है, तो वो बैटरीज भी टॉक्सिक हो सकती हैं। तो जो ये कौन से एल्केलाइन टॉक्सिन्स होते हैं, इसके अलावा एसिड टॉक्सिन्स की बात करें तो टॉयलेट बाउल क्लीनर, पूल क्लीनर्स, क्लीनर्स, रस्ट रिमूवल्स और बैटरी एसिड्स, ये सब एसिडिक जो होते हैं वो एसिडिक पॉइजन्स हो सकते हैं। तो मेनली जो इंजेस्टेड या स्वेलोड पॉइजन होंगे वो दो तरह के हो सकते हैं, पहला एल्केलाइन और दूसरा एसिड प्रोडक्ट्स। एल्केलाइन के अंदर लाइट ड्रेन क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, बाउल क्लीनर्स, ब्लीच, नॉन फॉस्फेट डिटर्जेंट, ओन क्लीनर्स एंड बटन बैटरीज, ये सब आते हैं। और एसिड के अंदर बाउल क्लीनर्स, पूल क्लीनर्स, मेटल क्लीनर्स, रस्ट रिमूवर्स एंड बैटरी एसिड्स, ये सब आते हैं। अब अगर कोई पेशेंट है या आपके पास कोई पेशेंट आया है जो इस तरह की या स्वेलोड पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसको आपको कैसे मैनेज करना है उसका वो देखते हैं। सबसे पहला कंट्रोल ऑफ द एयरवे वेंटिलेशन ऑक्सीजन आर एसेंशियल। अगर एयरवे वेंटिलेशन और ऑक्सीजन डिस्टर्बेंस हो रहा है या इसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आ रहा है या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो सबसे पहला आपका जो मैनेजमेंट फोकस होगा वो क्या होगा, इनको मेंटेन करना। इन द एब्सेंस ऑफ सेरेब्रल और रीनल डैमेज द पेशेंट्स प्रोग्नोसिस डिपेंड्स लार्जली ऑन सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। मतलब सेरेब्रल और रीनल डैमेज की एब्सेंस में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को मेंटेन करना। मेजर्स आर इंस्टीट्यूटेड टू स्टेबलाइज कार्डियोवैस्कुलर एंड अदर बॉडी फंक्शंस, इन पे भी मॉनिटरिंग करके चलना है। इसके अलावा ECG है, वाइटल साइंस है, न्यूरोलॉजिक स्टेटस आर मॉनिटर क्लोजली। शोक विच मे रिजल्ट फ्रॉम द कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन, शोक भी हो सकता है कि किसी टॉक्सिन की वजह से कार्डियो डिप्रेशन हो गया, कार्डियो फेलियर हो गया, तो शोक की कंडीशन आ सकती है जिसकी वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके लिए अपने को असेस करना है कि कहीं पेशेंट शोक में तो नहीं है। फ्रॉम वेनस पुलिंग इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, फ्रॉम रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी इज ट्रीटेड। मतलब शोक किसी भी वजह से हो सकता है, कार्डियक डिप्रेशन की वजह से या फिर वेनस पुलिंग हो गई हो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड भरना चालू हो गया हो, वो कार्डियक या हार्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और शोक
कंडीशन हो सकती है, या फिर रिड्यूस सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम ही कम हो गया हो, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया हो, इसकी वजह से कैपिलरी मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा ब्लड बाहर निकलना चालू हो जाएगा, इसकी वजह से शॉक की कंडीशन भी अराइज हो सकती है। अब बात करें तो एक एन इनडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इज इंसर्टेड टू मॉनिटर रीनल फंक्शन, ब्लड स्पेसिमेंस आर ऑब्टेन टू टेस्ट फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग और पॉइजन। सबसे पहले तो इनडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर लगाएंगे ताकि अपन मॉनिटर कर सके रीनल फंक्शन को, कि रीनल या जो किडनी हो प्रॉपर फंक्शन कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि आउटपुट से अपने इनपुट आउटपुट से अपने को पता चलेगा कि कितना इनपुट ले रहा है और कितना आउटपुट आ रहा है, उससे रीनल फंक्शन या RFT जो होता है रीनल फंक्शन टेस्ट अपन कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड स्पेसिमेन लेके अपन टेस्ट करके जो ड्रग या कोई भी पॉइजन या ड्रग के पॉइजनिंग की ड्रग पॉइजनिंग भी हो सकती है तो उसका पता लगा सकते हैं कि कितनी है, अपने को कितना ट्रीटमेंट करना है, कैसे करना है, हीमोडाइलेशन करना है, क्या करना है, तो उसकी कंसंट्रेशन के बेसिस पे अपन ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएंगे। तो थ्रू द ब्लड स्पेसिमेंस या ब्लड कलेक्शन ब्लड टेस्ट करके अपन उसकी कंसंट्रेशन पता लगा सकते हैं। इसके बाद एफर्ट्स आर इनिशिएटेड टू डिटरमाइन व्हाट सब्सटेंस वाज टेकन, द अमाउंट टाइम सिंस इंजेक्शन, साइन एंड सिम्टम्स सच एज पेन और बर्निंग सेंसेशन, एनी एविडेंस ऑफ रेडनेस और बर्न इन द माउथ और थ्रोट, पेन ऑन स्वेलिंग और इनएबिलिटी टू स्वेलो, वोमिटिंग और ड्रूलिंग, एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट एंड पेशेंट्स हेल्थ हिस्ट्री। अब ये सब जो इमरजेंसी मैनेजमेंट करने के बाद अपने को पता लगाना है कि कौन सा सब्सटेंस लिया था, कितने अमाउंट में लिया था, कब लिया था, क्या साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, कहीं पेन या कहीं जलन तो नहीं हो रही, कोई ऐसा रेडनेस या बर्न इन द माउथ और थ्रोट के अंदर, जैसे कई केमिकल सब्सटेंस पी लिया हो किसी ने जिसकी वजह से बर्न हो गई हो, जो माउथ और थ्रोट की म्यूकोसा बर्न हो गई या रेडनेस दिख सकती है, या फिर पेन ऑन स्वेलिंग या जिसको डिस्फेजिया बोला जाता है और इनएबिलिटी टू स्वेलो, एफेजिया जैसी कंडीशंस हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, ड्रोनिंग हो रही है, एज और वेट क्या है पेशेंट का, और उसकी कोई हेल्थ हिस्ट्री जैसे कि पहले किसी कोई बीमारी तो नहीं थी, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, वो सब चीज़ें अपने को पता करनी है। अब इन सब चीज़ों के बाद पता करने के बाद मेजर्स आर इंस्टीट्यूटेड टू रिमूव द टॉक्सिन और डिक्रीज इट्स एब्जॉर्प्शन। अब अपन ये पता करने के बाद अपना जो नेक्स्ट फोकस होगा वो क्या होगा, टॉक्सिन को रिमूव करना और डिक्रीज करना इसके एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि अगर ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो इसका इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा। द पेशेंट हु हैज इंजेस्टेड ए कोरोसिव पॉइजन इज गिवन वाटर और मिल्क टू ड्रिंक फॉर डाइल्यूशन। जैसे कोई कोरोसिव सब्सटेंस लिया है या कोई कॉन्सनट्रेटेड सब्सटेंस लिया है तो उसको डाइल्यूट करने के लिए अपन मिल्क या वाटर पिला सकते हैं पेशेंट को, जिससे कि वो डाइल्यूट हो और उसका इफेक्ट कम हो सके, क्योंकि एक ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड जैसे एसिडिक या एल्केलाइन सब्सटेंस होते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर डाइल्यूट कर देते हैं तो उनका इफेक्ट कम हो जाता है। इसके बाद बात करें तो हाउएवर डाइल्यूशन इज नॉट अटेम्प्टेड इफ द पेशेंट हैज अक्यूट एयरवे एडिमा और ऑब्स्ट्रक्शन और इफ देयर इज क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इसोफेजियल गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल बर्न और परफोरेशन। अगर आपके पास पेशेंट ऐसा है जिसको एयरवे एडिमा है या ऑब्स्ट्रक्शन है, अक्यूट एयरवे एडिमा या ऑब्स्ट्रक्शन है, और या फिर एविडेंस है कि इसोफेजियल गैस्ट्रिक या इंटेस्टाइनल बर्न या परफोरेशन है, तो उन पेशेंट्स में अपन डाइल्यूशन के लिए मिल्क और वाटर यूज नहीं करेंगे, मतलब वहाँ पे डाइल्यूशन नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करें तो द फॉलोइंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग प्रोसीजर्स में भी यूज एज प्रिस्क्राइब्ड, कि क्या क्या प्रोसीजर्स अपन यूज कर सकते हैं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के लिए, या गैस्ट्रिक में या जो स्टमक में जो भी पॉइजनस सब्सटेंस चला गया उसको बाहर निकालने के लिए। तो सिरप ऑफ आईपी केक नाम की मेडिसिन आती है, IPCAC, जिससे कि जो कि एक वोमिटिंग को इंड्यूस करती है, वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए आईपी केक नाम की मेडिसिन आती है, वो अपन पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक लावाज फॉर द ऑब्टेंडेड पेशेंट्स गैस्ट्रिक एस्पायरेट इज सेव्ड एंड सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। गैस्ट्रिक लावाज मतलब अपन थ्रू द ट्यूब जो गैस्ट्रिक जो भी स्टमक के अंदर है उस सबको बाहर निकाल लेते हैं, तो उसके और जो एस्पायरेट निकला है उसको सेव करके और लेबोरेटरी सेंड करते हैं कि किस चीज़ को पिया है या किस चीज़ से उसको पॉइजनिंग हुई है, कौन सा पॉइजनस सब्सटेंस उसने लिया है, ताकि आगे का जो फर्दर ट्रीटमेंट हो उसके अकॉर्डिंग हो सके। इसके अलावा एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्ट्रेशन इफ पॉइजन इज वन ऑफ दैट अब्सॉर्ब बाई चारकोल
कैथरेटिक चारकोल कैथरेटिक्स होते हैं, अगर ऐसा कोई पॉइजन उसने दिया है तो उसके लिए अपन एक्टिवेटेड चारकोल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वो क्या करता है एब्जॉर्ब कर देता है उन सब चीज़ों को, तो जिसकी वजह से उनका पॉइजनस सब्सटेंस या पॉइजनस जो इफेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो वॉमिटिंग इंड्यूस करनी है अपने को ताकि वॉमिट कर सके वो जो भी सब्सटेंस है उसको सब भाग को बाहर निकाल सके। पर हर केस में जैसे कुछ एसिडिक सब्सटेंसेज अगर पेशेंट ने खाए हैं तो उन कंडीशंस में अपन वॉमिटिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से जब वापस एसिड बाहर निकलेगा तो वो और ज़्यादा फर्दर जो म्यूकोजा इसोफेजिकस या थ्रोट माउथ की म्यूकोजा उसको अफेक्ट कर सकता है। तो उन कंडीशन में गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं या फिर एक्टिवेटेड चारकोल अपन यूज कर सकते हैं अगर कैथरेटिक टाइप या चारकोल टाइप कोई सब्सटेंस यूज किया है पेशेंट ने टॉक्सिन के लिए, या फिर गैस्ट्रिक लवाज के थ्रू अपन डायरेक्ट उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करें तो द स्पेसिफिक केमिकल और फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट या एंटीडोट इज एडमिनिस्टर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल टू रिवर्स और डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं एंटीडोट जो कि जो ड्रग का इफेक्ट को कम कर देता है या ख़त्म कर देता है उसको एंटीडोट बोला जाता है। तो कोई भी टॉक्सिन, बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनके लिए एंटीडोट है अवेलेबल होती है, तो वो टॉक्सिन्स अगर आपको पता चल गया है डायग्नोसिस हो गया कि वो उन सब टॉक्सिन यूज किया है पेशेंट ने तो आप उसके लिए उसका एंटीडोट यूज कर सकते हो। इफ दीज मेजर्स आर इफेक्टिव इन इफेक्टिव प्रोसीजर्स आर इनिशिएटेड टू रिमूव द इंजेस्टेड सब्सटेंसेस। अगर इन सबसे कुछ नहीं हो रहा है तो अपन कुछ और प्रोसीजर्स यूज कर सकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए इंजेस्टेड सब्सटेंसेस को। दीज प्रोसीजर्स इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल डोज ऑफ चारकोल, मतलब बार बार एक्टिवेटेड चारकोल डाल रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं तो, या फिर डायूरेसिस फॉर सब्सटेंसेज एक्सक्रीटेड बाई किडनीज, या जो डायूरेसिस को बढ़ा सकते हैं कि किडनी के थ्रू जो टॉक्सिन है वो बाहर निकल सके, या डायलिसिस करके या फिर हीमोपरफ्यूजन करके, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ब्लड को एक तरफ से बाहर निकालते हैं और तो जो बाहर से अपन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको निकाल के और वापस क्लीन जो ब्लड है उसको वापस पेशेंट को डाल देते हैं, इसको क्या बोला जाता है हीमोपरफ्यूजन। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन होता है ब्लड का जिसमें एक्स्ट्रा कॉर्पोरल सर्किट एंड एब्जॉर्बेंट कार्टरेज कंटेनिंग चारकोल और रेजिन आफ्टर विज द प्लेट, मतलब एक ऐसा जो पॉइंट बनाया जाता है कार्टरेज बनाया जाता है जिसमें ब्लड एक तरफ से निकालते हैं उसके अंदर डालते हैं, उसमें जो एब्जॉर्बेंट कार्टरेज होता है वो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर जो क्लीन ब्लड है वो वापस पेशेंट में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट थ्रू आउट डिटॉक्सिफिकेशन द पेशेंट्स वाइटल साइंस सेंट्रल वेनस प्रेशर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस आर मॉनिटर्ड क्लोजली, इन सब चीज़ों को आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। इसके अलावा हाइपोटेंशन के लिए या कार्डियक डिसरिथमियाज भी पॉसिबल हैं तो उनके लिए भी अपने को पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है। सीजर्स आर ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ CNS एक्साइटमेंट फ्रॉम द पॉइजन और फ्रॉम ऑक्सीजन डेप्रिवेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या जो पॉइजन के एक्साइटरी इफेक्ट की वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन एनाल्जेसिक्स आर एडमिनिस्टर्ड सीवियर पेन कोज वैसोमोटर कोलैप्स एंड रिफ्लेक्स इनहिबिशन ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो वैसोमोटर कोलैप्स या वैसोमोटर एक्टिविटी जो होती है वो बंद हो सकती है, कोलैप्स हो सकते हैं, रिफ्लेक्स इनहिबिशन हो सकता है। अब ये अपन ने देखा कि सबसे पहले अपना जो मेन फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा, उसको बाहर निकालने जो पॉइजन है उसको एंटीडोट देके या उसको बाहर निकाल के बॉडी से और अपन उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स है जैसे वॉमिटिंग करवा के या फिर गैस्ट्रिक लवाज करके, या इसके अलावा गैस्ट्रिक लवाज और चारकोल यूज करके एक्टिवेटेड चारकोल यूज करके, अगर ये सब भी इफेक्टिव नहीं है तो इनके अलावा अपन हीमोपरफ्यूजन है, डायलिसिस है, या बार बार चारकोल यूज कर रहे हैं ये सब करके भी, या थ्रू द डायूरेसिस है उसके द्वारा भी बाहर निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आप एलिमिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट्स के वाइटल्स सेंट्रल वेनस प्रेशर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे, हाइपोटेंशन और कार्डियक डिसरिथमियाज ना हो, सीजर्स ना हो, और पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स अपन दे सकते हैं। अभी सबके बाद आफ्टर द पेशेंट्स कंडीशन हैज स्टेबलाइज्ड, मतलब स्टेबल हो गया पेशेंट, एंड डिस्चार्ज इज इमिटेंट, मतलब अब पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, तो रिटर्न मटेरियल इंडिकेशंस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द पॉइजन, अपने को लिख के देना है पेशेंट को कि ये चीज़ें देखते रहना कि इस पॉइजन की वजह से अदर जो साइन सिम्टम्स हैं वो आ सकते हैं और
उसकी वजह से और कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उनको ध्यान रखना है। और जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आपको वापस फॉलोअप के लिए आना है, डॉक्टर को दिखाना है। तो ये फर्स्ट हो गया इंजेस्टेड पॉइजनिंग या स्वेलोड पॉइजनिंग। इसके बाद सेकेंड आता है इनहेल्ड पॉइजनिंग। इनहेलेशन के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी मेनली जो होता है इनहेल्ड पॉइजनिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों होता है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड इंसिडेंट्स और अटेम्प्टेड सुसाइड्स, इट इज इम्प्लिकेटेड इन मोर डेथ्स देन एनी अदर टॉक्सिक एक्सेप्ट एल्कोहल। मतलब बहुत ज़्यादा केसेज में ऐसे देखा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से डेथ्स हुई हैं और सुसाइड अटैम्प्ट करने के लिए भी कई लोग इसका यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सर्ट्स इट्स टॉक्सिक इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन एंड देयर बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, ऑक्सीजन से ज़्यादा प्रोन होती है कि हीमोग्लोबिन से जाके अटैच हो सके। तो ऑक्सीजन का अगर मॉलिक्यूल घूम रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल घूम रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम 200 गुना ज़्यादा स्पीड से या ज़्यादा एक्टिवली हीमोग्लोबिन से अटैच होगा रेदर देन ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा अटैच हो सकती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाउंड हीमोग्लोबिन कॉल्ड कॉर्बोक्सी हीमोग्लोबिन डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी तो उसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है, जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। अब इसमें कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे बिकॉज द CNS हैज ए क्रिटिकल नीड फॉर ऑक्सीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या फिर कहें कि अगर थोड़ी भी कमी हो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो सकते हैं। तो क्रिटिकल नीड होती है ऑक्सीजन की। CNS सिम्टम्स प्रीडोमिनेट द कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में अपीयर इंटॉक्सिकेटेड फ्रॉम सेरेब्रल हाइपोक्सिया, जिसकी वजह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग का पेशेंट है तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, उसकी वजह से पेशेंट फेंट हो सकता है, फेंटिंग हो सकती है, कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा अदर साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, हेडेक, मस्कुलर वीकनेस, पालपिटेशन, डिजीनेस, कन्फ्यूजन विच कैन प्रोग्रेस रैपिडली टू द कोमा, ये सब कंडीशंस कोमा में भी जा सकती हैं। इसके अलावा स्किन कलर की बात करें तो विच कैन रेंज फ्रॉम पिंक टू चेरी रेड टू द साइनोटिक एंड पेल, इट इज़ नॉट ए रिलायबल साइन। मतलब ये बहुत लेटर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपको साइनोसिस या पेलनेस जैसी कंडीशंस दिखाई देंगी। पल्स ऑक्सीमेट्री इज़ नॉट ऑल्सो वैलिड बिकॉज द हीमोग्लोबिन इज वेल सेचुरेटेड। पल्स ऑक्सीमेट्री तो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन दिखाती है, पर हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर दिखाएगा पल्स ऑक्सीमेट्री, इसलिए उसको भी वैलिड नहीं माना जाता है। इट इज़ नॉट सेचुरेटेड विथ ऑक्सीजन, पर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड नहीं है, बट द पल्स ऑक्सीमेट्री रीड द सेचुरेशन, इसकी वजह से अपन जो है इसको भी वैलिड नहीं मानते। तो ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग में। अब इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो द गोल ऑफ मैनेजमेंट आर टू रिवर्स सेरेब्रल एंड मायोकार्डियल हाइपोक्सिया एंड हेस्टन एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं ब्रेन और हार्ट, उन दोनों को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके और जो कार्बन मोनोऑक्साइड अपने ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही है उसको अपन बाहर निकाल सके, ये अपने दो गोल होने चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर। व्हेनेवर ए पेशेंट इनहेल्स ए पॉइजन द फॉलोइंग जनरल मेजर्स अप्लाई, कैरी द पेशेंट टू फ्रेश एयर इमीडिएटली। अगर कोई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का केस हुआ है तो आपको कौन से जनरल मेजर्स फॉलो करने हैं, सबसे पहले तो फ्रेश एयर इमीडिएटली ले जाना है पेशेंट को, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके और वो ऑक्सीजन की जो डिमांड बढ़ गई है बॉडी के अंदर उसको पूरा कर सके। लूजन ऑल टाइट क्लोथिंग, जो टाइट क्लोथ्स या कोई भी क्लोथ्स ऐसे पहन रखे थे उनको लूज करना है पेशेंट को। इनिशिएट कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन इफ रिक्वायर्ड, अगर CPR की ज़रूरत है, पेशेंट कोलैप्स हो गया है तो CPR भी दे सकते हैं। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, प्रिवेंट चिलिंग, रैप द पेशेंट इन ब्लैंकेट, मतलब पेशेंट की ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो कूलनेस या कामनेस आ सकती है बॉडी के अंदर, चिल हो सकती है बॉडी या जो टेम्परेचर है बहुत कम हो सकता है, तो अपन ब्लैंकेट से कवर कर देंगे ताकि टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और
कीप द पेशेंट एज क्वाइट एज पॉसिबल, ताकि अगर पेशेंट भागेगा दौड़ेगा या कुछ एक्टिविटी करेगा तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, इसलिए अपन पेशेंट को क्वाइट कर देंगे। और डू नॉट गिव एल्कोहल इन एनी फॉर्म, और एल्कोहल नाम का कोई भी सब्सटेंस अपन उसको नहीं देना है, एल्कोहलिक सब्सटेंस। इसके बाद बात करें तो कार्बोक्सीमोग्लोबिन लेवल आर एनालाइज्ड ऑन अराइवल एट इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब पेशेंट आएगा तो उसका कार्बोक्सीमोग्लोबिन का लेवल क्या है वो असेस करना है, और उससे भी पहले अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देनी है आती ही। द 100% ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड एट एटमोस्फेरिक और हाइपरबेरिक प्रेशर टू रिवर्स हाइपोक्सिया और एक्सेलरेट द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए और कार्बन मोनोऑक्साइड को एलिमिनेट करने के लिए अपने को सबसे पहला जो काम करना होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड अंटिल द कार्बोक्सीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन 5%। जब तक कार्बोक्सीमोग्लोबिन का लेवल 5% से कम नहीं आ जाता तब तक अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहें। द पेशेंट इज मॉनिटर्ड कंटिन्यूसली। इसके अलावा साइकोसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस, अटैक्सिया, विजुअल डिस्टर्बेंसेज एंड डिटोरिएशन ऑफ मेंटल स्टेटस एंड बिहेवियर में परसिस्ट आफ्टर रिसेसिटेशन एंड मे बी सिम्टम्स ऑफ परमानेंट ब्रेन डैमेज। क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से परमानेंट ब्रेन डैमेज हुआ था पेशेंट को, तो उस वजह से ये सारे सिम्टम्स आपको आफ्टर द रिकवरी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मे बी परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया। तो हाइपोक्सिया को आप ट्रीट कर सकते हो, लेकिन अगर सेल्स ही डैमेज हो गया तो वो वापस रिकवर नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर ये मैनेजमेंट करना है। अब इसके बाद आते हैं स्किन कंटामिनेशन पॉइजनिंग या केमिकल बर्न्स। इसके अंदर स्किन कंटामिनेशन इंजरीज फ्रॉम एक्सपोजर टू केमिकल्स आर चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑफेंडिंग एजेंट्स विथ डाइवर्स एक्शंस एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। वी आर यूजुअली यूज मैनी ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ, सो देर आर ए चांसेज ऑफ इन्फेक्टेड या देर आर ए मैनी चांसेज दैट वी आर इन कॉन्टेक्ट विथ टॉक्सिक सब्सटेंसेज। तो उसकी वजह से अपने केमिकल बर्न होने के या स्किन के बर्न होने के या स्किन के केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेज के कॉन्टेक्ट में आने के बहुत सारे चांसेज होते हैं। द सीवियरिटी ऑफ केमिकल बर्न इज डिटरमाइंड बाई द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, द पेनिट्रेटिंग स्ट्रेंथ एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ द स्किन टू द केमिकल। ये सब चीज़ें अपने को, जैसे अपन ने बर्न पढ़ा था तो उसमें देखा था कि कितना बर्न हुआ है, कैसा हुआ है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री, कितना सरफेस एरिया, कौन सा सब्सटेंस की वजह से हुआ है, तो वो सब अपने को पता करना है। अब इसका मैनेजमेंट की बात करें तो द स्किन शुड बी ड्रीस्ड इमिडिएटली इफ द रनिंग वाटर फ्रॉम ए शॉवर हाउस और फ्यूकेट। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि अपन रनिंग वाटर यूज करके जो भी केमिकल सब्सटेंसेज स्किन पे लगा हुआ है या स्किन की सरफेस के स्किन की वुंड भी हो गया है तो उसके अंदर भी अपने को रनिंग वाटर यूज करके उसको हटाना है, जैसे अपन ने बर्न में किया था। ए कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर शुड कंटिन्यू एज द पेशेंट्स क्लोथिंग इज बीइंग रिमूव्ड। कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर कंटिन्यू चलाते रहना ताकि जितना ज़्यादा अमाउंट में अपन जो टॉक्सिक सब्सटेंस स्किन पे अटैच है उसको बाहर निकाल सके। द स्किन ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स असिस्टिंग द पेशेंट शुड बी अप्रोप्रिएटली प्रोटेक्टेड इफ द बर्न इज एक्सटेंसिव और इफ द एजेंट इज सिग्निफिकेंटली टॉक्सिक और स्टिल प्रेजेंट। अगर पेशेंट के साथ उसकी बॉडी पे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा बर्न है तो जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको भी अपनी बॉडी को बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना। प्रोलॉन्ग्ड लावाज विथ जनरस अमाउंट ऑफ टेपिड वाटर इज इम्पोर्टेंट। लंबे टाइम तक अपने को उसको निकालते रहना है ताकि जितना अपन निकाल सके उतना निकाल सके। इन द मीन टाइम अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एजेंट्स नेसेसरी फॉर फ्यूचर ट्रीटमेंट। अब अपने को ये भी पता करना है कि कौन सा जो सब्सटेंस यूज हुआ है या कौन से सब्सटेंस से इंजरी हुई है। द स्टैंडर्ड बर्न ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट फॉर द साइज एंड लोकेशन ऑफ द वुंड। जैसे कि अपन बात करते हैं जो बर्न के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, डेब्रिडमेंट करते हैं, टिटनेस प्रोफाइलेक्सिस, ये सब अपन करते हैं जैसे कि नॉर्मली बर्न के लिए किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट यानी एंटी माइक्रोबियल टॉपिकल एजेंट्स या सिस्टमिक एजेंट्स दे सकते हैं, डेब्रिडमेंट कर सकते हैं मतलब जो बर्न हुआ है वुंड हुआ है उसको पूरे को जो भी बर्न एरिया या जो भी डेड टिश्यूज हैं उनको काट के या रिमूव करना है ताकि जो फ्रेश जो टिश्यूज है उनको रिकवरी का चांस मिल सके। द पेशेंट में रिक्वायर प्लास्टिक सर्जरी फॉर फर्दर वुंड मैनेजमेंट। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस वुंड है तो अपने को प्लास्टिक सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, जैसे ग्राफ्टिंग बताया गया था तो ग्राफ्टिंग भी करनी पड़ सकती है। द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू हैव द अफेक्टेड एरिया री एग्जामिन्ड एट 24 एंड 72 आवर्स
and in 7 days because the risk of underestimating the extent and depth of this type of injury. कई बार क्या होता है इनकी सीवियरिटी या डेप्थ का सही से एनालिसिस नहीं हो पाता, तो अपने को बार बार इसको एग्जामिन करना है कि और प्रॉब्लम बढ़ तो रही है या रिकवर हो रही है. तो ये होता है केमिकल बर्न्स या स्किन बर्न्स, स्किन फूड या स्किन पॉइजनिंग जिसको बोला जाता है. अब आता है लास्ट, फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग इज सडन इलनेस दैट अकर आफ्टर इंजेशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक. कोई भी फूड या ड्रिंक ऐसी कंटामिनेटेड थी वो अगर अपन ने इंजेस्ट कर लिए तो उसकी वजह से सडन इलनेस अपने को देखने को मिल सकती है, जिसमें वोमिटिंग है, फीवर है, हेडेक है या वर्टिगो जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं. बोटुलिज्म इज ए सीरियस फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअल सर्विलेंस. जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से जो होने वाली फूड पॉइजनिंग है वो एक कॉमनली और बहुत सीरियस टाइप की होती है, जिसके अंदर अपने को कंटिन्यू सर्विलेंस की ज़रूरत पड़ती है. अब अपने को पता करना है कि फूड पॉइजनिंग कैसी हुई, क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन अपन पेशेंट से पूछते हैं जिससे अपने को फूड पॉइजनिंग के बारे में पता कर सकते हैं. तो इसके लिए कौन से क्वेश्चन अपन यूज करते हैं. हाउ सून आफ्टर ईटिंग डिड द सिम्टम्स अकर, मतलब कितनी देर बाद आपको पेशेंट को कुछ खाया था उसके कितनी देर बाद सिम्टम्स अराइज हुए हैं. इमीडिएट ऑनसेट सजेस्ट केमिकल प्लांट और एनिमल पॉइजनिंग, अगर इमीडिएटली हुए हैं तो उसमें एनिमल या केमिकल या प्लांट और सब्सटेंसेस जैसी पॉइजनिंग हो सकती है. इसके अलावा बात करें तो व्हाट वाज ईटन इन द प्रीवियस मील, क्या खाया था. डिड द फूड हैव एन अनयूजुअल ऑर्डर और टेस्ट, फूड का जो टेस्ट या जो खुशबू थी या ऑर्डर थी वो कुछ अनयूजुअल या अजीब तो नहीं थी. मोस्ट फूड कॉजिंग बैक्टीरियल पॉइजनिंग डू नॉट हैव अनयूजुअल ऑर्डर और टेस्ट. जो भी मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया का इन्फेक्टेड फूड होता है उनमें कोई स्पेसिफिक या अनयूजुअल ऑर्डर नहीं आती है, अनयूजुअल टेस्ट नहीं आता, इस वजह से खा लेते हैं और फिर पॉइजनिंग हो जाती है. अगर कोई स्पेसिफिक अनयूजुअल स्मेल आ रही है तो कॉमनली पीपल से उसको नहीं खाते. डिड एनी वन एल्स बिकम इल फ्रॉम ईटिंग द सेम फूड, अगर कोई और भी हुआ है इसी फूड को खा के तो मे बी हो सकती है फूड में प्रॉब्लम हो, या फिर केवल एक उसी फूड को 5-10 पर्सन्स ने खाया है, किसी एक को ही हुआ है तो मे बी कोई और रीज़न भी हो सकता है. डिड वोमिटिंग अकर, क्या वोमिटिंग हुई थी. वॉट वॉज द अपियरेंस ऑफ वोमिटस, जो वोमिटस आया था वो उसका अपियरेंस कैसा था. डिड डायरिया अकर, डायरिया हुआ है. डायरिया इज यूजली एबसेंट विथ बोटुलिज्म एंड विथ सेल्फिश और अदर फिश पॉइजनिंग. तो बोटुलिज्म एंड सेल्फिश और अदर फिश पॉइजनिंग सोचती हैं उनमें डायरिया एबसेंट होता है, लेकिन कई तरह की फूड पॉइजनिंग ऐसी भी होती है जिसके अंदर डायरिया देखने को मिल सकता है. आर एनी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रजेंट, कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम तो नहीं है, जैसे कहीं पैरालिसिस हो रहा हो, नंबनेस हो रही हो तो वैसे कोई सिम्टम्स तो नहीं है. कन्फ्यूजन, फेंटिंग जैसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे. दीज अकर्स इन बोटुलिज्म एंड केमिकल प्लांट एंड एनिमल पॉइजनिंग में आपको ऐसा देखने को मिलता है. डज द पेशेंट हैव ए फीवर, अगर पेशेंट को कहीं फीवर तो नहीं हुआ था. फीवर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन साल्मोनेला इंजेक्शन ऑफ फेवा बीन्स एंड सम फिश पॉइजनिंग, जो साल्मोनेला के इंजेक्शन की वजह से या फिर कुछ फिश पॉइजनिंग में फीवर देखने को मिलता है. एंड वाट इज द पेशेंट्स अपियरेंस, पेशेंट की अपियरेंस कैसी है, कैसा दिख रहा है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी अपियरेंस कैसी, ये चीज़ें अपने को पता करनी है. इसके बाद आते हैं मैनेजमेंट पे. अपन अपने देख लिया कि क्या वजह है या कुछ डायग्नोसिस करके उससे क्वेश्चन पूछ के अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग सकता है कि कैसा पॉइजनिंग हो सकती है. इसके बाद अपन आते हैं मैनेजमेंट पे. द की टू ट्रीटमेंट इज डिटरमाइनिंग द सोर्स एंड टाइप ऑफ द फूड पॉइजनिंग, अपने को सोर्स का पता करना है, उसी से अपन जो है फूड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. पॉसिबल द सस्पेक्टेड फूड शुड बी ब्रॉट टू द मेडिकल फैसिलिटी एंड हिस्ट्री ऑब्टेंड फ्रॉम द पेशेंट और फैमिली, जो फूड उसने खाया है उसको मेडिकल या जो हॉस्पिटल लाएँ और उसका टेस्ट करके अपन या जो उसका एग्जामिनेशन करके क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन करके अपन पता कर सकें कि उसमें क्या था. इसके अलावा फूड, गैस्ट्रिक कंटैक्ट, वोमिटस, सीरम एंड फीसेस आर कलेक्ट फॉर एग्जामिनेशन. इसके अलावा फूड के साथ साथ अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो गैस्ट्रिक कंटेंट्स है जो वोमिट हुई है उसको या सीरम को या फीसेस को अपन एग्जामिन करके भी पता लगा सकते हैं. द पेशेंट्स रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, सेंसोरियम, सेंट्रल वेनस प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी आर मोनिटर्ड क्लोजली, क्योंकि कई बार बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है सेंसोरियम चेंज हो सकता है या फिर जो सेरेब्रल टिश्यूज़ है वो डैमेज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ सकते हैं, मस्कुलर डेफिसिट्स आ सकते हैं. मेजर्स आर इंस्टीट्यूटेड टू सपोर्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कैन अकर विथ बोटुलिज्म, फिश पॉइजनिंग एंड अदर फूड
पॉइजनिंग। तो अपने को रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी प्रॉपरली असेस करते रहना है कि कहीं रेस्पिरेटरी फेलियर तो नहीं हो गया है, क्योंकि कई बार रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है बोटुलिज्म पॉइजनिंग, फिश पॉइजनिंग और कुछ अदर फूड पॉइजनिंग्स की वजह से। बिकॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर लॉस्ट बाय द वोमिटिंग एंड डायरिया, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एरिया टू असेस। सीवियर वोमिटिंग प्रोड्यूस एल्कलोसिस, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाने की वजह से क्या एल्कोलोसिस या मेटाबोलिक एल्कोलोसिस जैसी कंडीशंस आ सकते हैं, और सीवियर डायरिया अगर हो रहा है तो उसकी वजह से मेटाबोलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ सकती है, और इनकी वजह से और फर्दर प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकते हैं। हाइपोवोल्यूमिक शेक शॉक में आल्सो अकर फ्रॉम द सीवियर फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट, उस वोमिटिंग या डायरिया की वजह से अगर बहुत ज़्यादा फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक भी हो सकता है। द पेशेंट इज असेस्ड फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंक्लूडिंग लिथार्जी, रैपिड पल्सरेट फीवर, ओलिग्यूरिया, एन्यूरिया, हाइपोटेंशन एंड डिलीरियम, ये सब सिम्टम्स भी अपने को असेस करने। वेट एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स आर ऑब्टेंड फॉर फ्यूचर कंपेरिजन्स, की आगे फ्यूचर में कंपेयर करने के लिए अपने को वेट और सीरम के इलेक्ट्रोलाइट जो है उनका पता करना है कि अभी क्या है और फ्यूचर ट्रीटमेंट के बाद उनमें क्या चेंजेस आए। मेजर्स टू कंट्रोल नोजिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट वोमिटिंग विच कुड फर्दर एक्सेबेट्स फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, क्योंकि नोजिया हो रहा है तो वोमिटिंग भी हो सकती है, तो नोजिया को ही कंट्रोल करना है ताकि वोमिटिंग ना हो और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड इम्बेलेंस ना हो। एंड एंटीमेटिक मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड पेरेंटली एज प्रिस्क्राइब्ड इफ द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट फ्लूड एंड मेडिकेशन बाई माउथ। कई बार क्या होता है पॉइजनिंग की वजह से कुछ भी खा रहा है पेशेंट या पी रहा है तो वापस वोमिट कर देता है, तो अपन उस पेशेंट को एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं ताकि फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए, एसिडोसिस एल्कोलिसिस की कंडीशंस ना हो जाएं, तो उनको ट्रीट करने के लिए अपने को एंटीएमेटिक मेडिकेशंस भी एडमिनिस्टर करनी है। होल्ड माइल्ड नोजिया, फॉर माइल्ड नोजिया द पेशेंट इज एनकरेज टू टेक सिप्स ऑफ वीक टी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड टैप वाटर। आफ्टर नोजिया एंड वॉमिटिंग सबसाइड्स क्लियर लिक्विड्स आर यूजली प्रिस्क्राइब फॉर 12 to 24 hours। द डाइट इज ग्रेजुअली प्रोसेस टू ए लो रेजिड्यू ब्लेंड डाइट, मतलब ऐसा नहीं है कि तो एक दो तीन घंटे में रुके हुए वोमिटिंग को और अपन ने कोई फूड खिला दिया, 12 से 24 घंटे तक अपने को उसको कुछ नहीं देना, केवल क्लियर लिक्विड्स ही देने हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपन ने हैवी फूड खिला दिया, पहले लाइट फूड फिर उसके बाद कुछ लिक्विड्स जूसेस और फिर बाद में अपन उसको नॉर्मल डाइट पे लाएंगे। तो ये था फूड पॉइजनिंग। अब अपन ने देखा आज का टॉपिक था अपना पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मटेरियल या गैस जो कि अपनी बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट कोज कर रही है वो पॉइजनिंग में इंक्लूड की जाती है। मेनली चार तरह की होती है पॉइजनिंग, इंजेस्टेड पॉइजनिंग, इनहेल्ड पॉइजनिंग, स्किन पॉइजनिंग या स्किन बर्न या केमिकल बर्न या स्किन जो टच में आ गई है अगर, तो वो, और लास्ट वन इज फूड पॉइजनिंग। सबसे सीरियस वाली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि उसकी वजह से जो हाइपोक्सिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है और पेशेंट की डेथ जल्दी हो सकती है। तो गाइस ये था पॉइजनिंग, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय।